Assalamualaikum, dear students of class 8. बेटा today we are going to start second lecture of chapter number 4. ठीक है, chapter number 4 that is speeding up. So first of all, what do you know about the speed? Okay, speed क्या होती है? Speed हमें बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या कर रही है, कितना जो है वो fast मूव कर रही है. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सिंपल वे है कि हम मेजर कर सकें किसको, स्पीड को. ठीक है, यानी कि जो भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वर्कआउट. ठीक है, यानी कि स्पीड जो है, जैसे कि कार की हो गई. ठीक है, कार जो कि कहाँ पे कर रही है, जो कि एक स्ट्रेट रोड पे क्या कर रही है, कार ट्रैवल कर, यानी कि जो है वो ट्रैवलिंग कर रही है. ठीक है, अब जो मेजर है डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स. ठीक है, ये एक फिक्स पॉइंट ये है, दूसरी फिक्स पॉइंट ये है. अब हमें मेजर करना है कि ये टू पॉइंट्स पे कितना जो है वो कार जो है वो ट्रैवल कर रही है. ठीक है, अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस के लिए इस कार को कितना जो है वो टाइम चाहिए. ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है. डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में. ठीक है, यानी कि आप बताते हैं कि ये रोड इतने मीटर्स दूर है हमसे. टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड्स में और स्पीड को हम करते हैं मीटर पर सेकंड. ये इनके यूनिट है. ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और जो है सेकंड टाइम का, और मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, ये है हमारे पास मीटर पर सेकंड यूनिट है इसका. ठीक है, सेकंड का. उसके बाद अगर कार ट्रेवल कर रही है हमारे पास 50 मीटर 4 सेकंड में, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी हमारे पास, जब हम 50 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारा आ जाएगा आंसर 12.5. यानी कि 12.5 जो है ये डिस्टेंस इतने टाइम में जो है इतना डिस्टेंस हुआ जो कि इसने मेजर किया. ठीक है, कैलकुलेशन जो है हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो एक्चुअल, यानी कि ये हमारे पास कितनी है, 4 सेकंड है. यानी कि 4 सेकंड में इसने कार ने इतना जो है वो ट्रैवल किया. अब जो स्पीड है कार की वो हमें बताती है कि कितनी मूव, हाउ, कितना ये फास्ट जो है वो मूव कर रही है और कितना टाइम इसको लग रहा है. ठीक है, स्पीड जो है वो हम किसी भी चीज़ की जो स्पीड टाइम है ये इजीली हम क्या करते हैं कि वर्कआउट करते हैं इसके लिए, जब वो क्या करती है, कार ट्रैवल करती है. अब हमारे पास ये टेबल है जो कि आपको कुछ बता रही है. टेबल में आपके पास है 100 किलोमीटर है तो टाइम उसको लगेगा 1/2 और डिस्टेंस कितना होगा 50 मीटर्स 100 के लिए. उसके बाद मतलब ये इस तरह करके हम जो है वो क्या करते हैं, स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. इसका फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड प्लस टाइम. यानी कि डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, डिस्टेंस स्पीड कितनी है कार की और टाइम उसको कितना जो है वो लगेगा. ठीक है, देखिए कि जो स्पीड होती है ये बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि ये जो है वो हमारे जो लॉन्ग जर्नी होती है वो मतलब हमें बताती है. अब ये टेबल टू जो है ये हमें कुछ बता रही है. ठीक है, यहाँ पे दोबारा हमारे पास फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. पहले हमारे पास था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम. अब हमारे पास ये क्या है कि टाइम है और डिस्टेंस कितना है और स्पीड जो है वो कितनी है. ठीक है, ये देखिए किसी भी चीज़ का डिस्टेंस है और ये इसकी स्पीड है और टाइम उसको कितना लगा. ठीक है बेटा, तो हर चीज़ की क्या होती है, अपनी अपनी स्पीड होती है, अपना अपना उनका क्या होता है, डिस्टेंस होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पीडिंग अप. नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1. ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, बुक पेज नंबर 47. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़.